हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बिसु जॉब सेंटर। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले सिलेबस, नेगेटिव मार्क और लास्ट ईयर कट ऑफ। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटे को जरूर दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर बेस पर आपको वैकेंसी की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो, मैं SSC के ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड किया हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि 2020 में आपका क्या सिलेबस होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम ये रहा सिलेबस आपका, तो सिलेबस देख लीजिए फ्रेंड क्या है। टायर वन में जो आपका होगा, तीन चार पार्ट में होगा, 1 2 3 4, जिसमें जनरल इंग्लिश आएगा, बेसिक नॉलेज होगा आपका, जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होगा आपका, ठीक है, या जनरल अवेयरनेस होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इस तरह आपका 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जो मार्क्स होगा 200 मार्क्स होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा फ्रेंड, तो इसके लिए आपको समय जो मिलेगा केवल 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट में आपको इस पेपर को सॉल्व करना होगा, वहीं आप 60 मिनट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्क क्या होने वाला है। तो नेगेटिव मार्क में देख रहे हैं फ्रेंड, 0.50 यानी आधा मार्क्स का आपको नेगेटिव मार्क होगा। यानी आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो दो क्वेश्चन राइट करते हैं और एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो उसका आधा कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी 1/2 आपका नेगेटिव मार्क है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे जो है, जैसे कि नेगेटिव मार्क बता दिए हमने, फुल सिलेबस बताएं फ्रेंड। फुल सिलेबस में देख लीजिए, इंग्लिश में क्या आएगा, स्पॉट ऑफ एरर आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंटो साइनो, स्प्लिट डायरेक्शन, स्पेलिंग मैच, मिस्टेक, इडियम फेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सेंटेंस, ठीक है, आपका क्लोज पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। तो ये आपका होगा 10-12 चैप्टर जो आपका इंग्लिश में आएगा। वहीं जनरल इंटेलिजेंस बात करेंगे फ्रेंड, तो एनोलॉग आएगा, सिंबॉलिक आएगा, ऑपरेशन सिंबॉलिक, नंबरिकल, एनोलॉजी आएगा, फिंगर एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंट ड्राइंग, मतलब रीजनिंग का जितना चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, फिगुरल सीरीज आएगा, ठीक है, ये सब रीजनिंग का तो सारा जो चैप्टर है वो सब आएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें मैथ की फ्रेंड, तो मैथ में आपको दे दिया, नंबर सिस्टम से आएगा, फंडामेंटल आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल आ जाएगा, ऑपरेशन एलजेब्रा से आएगा, ज्योमेट्री से आएगा फ्रेंड, मेंसुरेशन से आने वाली है, मेंसुरेशन से आने वाला, ट्रायंगल से आने वाली है, स्टैटिक कैरेक्टर से आने वाली है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में बात करें फ्रेंड, तो ये जो कैंडिडेट जो कुछ से भी, मतलब जितना पढ़े हो वो सब से आ जाएगा, जैसे कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस से कुछ से भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। टायर टू की बात करें फ्रेंड, तो टायर टू में जो है आपका पेपर मोड होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। आपको जो समय दिया जाएगा, आपको डिसिप्लिन, इसमें पेपर पेन मोड होगा, ठीक है फ्रेंड, ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाली, ठीक है फ्रेंड। टायर टू जो है आपको पास करने के लिए आपको 33% ही लाना होगा, 33% आप लाएंगे तो टायर टू में आप पास हो जाएंगे। वही टायर थ्री का बात करें फ्रेंड, तो टायर थ्री में आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको क्या लिखना है, टाइपिंग करना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आगे बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा, तो कट ऑफ की ओर चले फ्रेंड, तो कट ऑफ में देख लीजिए फ्रेंड, जो अदर पोस्ट ऑफ DO यानी अदर देन CAG, उसका जो जनरल का जो कटअप था फ्रेंड 181, SC का, ST का नहीं दिया हुआ, OBC का जो दिया हुआ है 175, फिर वही जो कैंडिडेट है कैंडिडेट अवेलेबल 96 था, 14 था, 4 था, 53 था। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो टोटल पोस्ट जो था 175 था, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, जो अदर पोस्ट इन CAG यानी पोस्ट में जो DO CAG में जो था, उसमें जनरल कैटेगरी का 165 गया है, वहीं SC का 145, ST का 136, OBC का 161, इस तरह से गया हुआ, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो टोटल का पोस्ट जो था देख रहे हैं, जैसे कि आप 2330 जो है टोटल था। आगे बात करें फ्रेंड, ये जो जैसे LDC, GSA, PA, SA, जनरल का कितना 135 कम गया था, SC का 110, ST का 99, OBC का 133, इस तरह का। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो टोटल पोस्ट जो थी इसमें, जो टोटल पास किया 4510 जो टोटल पास किया, ठीक है फ्रेंड।
तो फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।